और ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक दिलाकर भारत का नाम रोशन करने वाली जयपुर की बेटी राजधानी पहुंची। जयपुर लौटने के बाद अपूर्वी चंदेला का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से शुरू हुआ स्वागत और अभिनंदन का सिलसिला शहर के विभिन्न मार्गों पर जारी रहा। जयपुर एयरपोर्ट में स्वागत कार्यक्रम होने के बाद अपूर्वी का काफिला टोंक रोड और जेएलएन मार्ग से गुजरा, जहां जगह जगह उनका नागरिक अभिनंदन किया गया। गोल्ड मेडलिस्ट अपूर्वी यहां से सीधे मुख्यमंत्री निवास पर पहुंची। यहां मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उन्हें ग्लासगो में उनके प्रदर्शन पर बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अपूर्वी के साथ राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के पदाधिकारी और अपूर्वी के कोच और परिजन भी मौजूद रहे। अपूर्वी के शानदार प्रदर्शन और स्वर्ण पदक उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री ने 15 लाख रूपये की पुरस्कार राशि देने की स्वीकृति दी है। पीएम से सम्मानित होने के बाद अपूर्वी का एसएमएस स्टेडियम पर आयोजित हुए एक समारोह में भी सम्मान हुआ। स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से आयोजित इस समारोह में सामाजिक न्याय मंत्री अरुण चतुर्वेदी और काउंसिल के पदाधिकारियों के साथ ही खेल प्रशंसकों की मौजूदगी में अपूर्वी चंदेला का सम्मान किया गया। अपूर्वी चंदेला ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। कॉमनवेल्थ से गोल्ड मेडल जीतकर जयपुर लौटी अपूर्वी का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। अपूर्वी से बात की हमारे संवाददाता दशरथ सिंह ने। गोल्ड मेडलिस्ट अपूर्वी चंदेला हमारे साथ है इस वक्त, वो वसुंधरा राजे से मिलकर आई है। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो इस बड़ी सफलता पे क्या कहना चाहेंगे। जी बहुत खुशी है पहले तो मुझे, और बहुत सपोर्ट कर रहे हैं वो गेम्स को, तो इससे और मैं आशा करती हूँ कि और स्पोर्ट्स में आएंगे बच्चे और हौसला उनका बढ़ेगा। मैडम से आपकी बात हुई है, मैडम ने क्या कहा आपको? कि वो बहुत और तरक्की के लिए और करेंगी और स्पोर्ट्स के लिए जितना हो सकता है उतना करेंगे और चीजें खोलेंगे। सुना कि अभिनव बिंद्रा से आपने सीख लेके निशानेबाजी में भाग्य आजमाया और उसके बाद में ही आपको बड़ी सफलता मिली। जी मैंने उनका मेडल जैसे ही लगा उसके बाद मैंने शूटिंग चालू की थी और उनसे इंस्पायर हुई थी, तो बस उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रही हूँ। ये है अपूर्वी चंदेला जो कह रही है कि निशानेबाजी के अंदर वो नाम कमाया है और वो कहीं ना कहीं अभिनव बिंद्रा की जो सफलता उसके बाद उसने निशानेबाजी में भाग्य आजमाया और उसके बाद उसको बड़ी सफलता हाथ लगी। फिलहाल वो वसुंधरा राजे से मिलकर बाहर निकल रही है। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ दशरथ सेका, जनटी न्यूज जयपुर।